है, ये बैगन है जो मैं अपने छत पर से तोड़ रही हूँ गमले में से, तो पानी से वाश कर लिए हैं, पोंछ लिए हैं। अभी मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसको भगुआ बैगन बोला जाता है, ये झाड़ की तरह ही बनता है, इसमें ये डंटा लगा हुआ ही रहेगा। और इस तरह से एक बैगन लंबा बैगन का ही ये बनता है, और इसी तरह का खाने के लिए इसको भी लगाई है। तो इसको कटिंग करेंगे इस तरह से, और तीन फीट से कटिंग करेंगे। तो कटना नहीं चाहिए, इंड पोर्शन में ये जुड़ा हुआ होना चाहिए इस तरह से, इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके अंदर में मसाला भरेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये पोर्शन बिल्कुल बंद है तो इधर भी कटिंग कर देंगे ताकि थोड़ा मसाला उसके अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरह से इसको, और इस तरफ से इधर, इस तरफ सारे बैगन काट लेंगे। इस तरह से कटिंग हो चुका है। एक्स्ट्रा पोर्शन अगर है तो उसको इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। ये होना चाहिए, मगर ये खासियत है इसका। तो इस तरह से मैं दूसरा बैगन, ये जो ऊपर वाला है, इसको काट करके हटा दूंगी। और ये इस तरह से इसको भी दो भाग करके मकान बच्चे बताऊँ मकान बच्चे। ये हो चुका है, अब मैं मसाला भरूँगी। ये मसाला है जो रेडी किए हैं, इसमें 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च पाउडर है। नमक स्वादानुसार दिए हैं। इसी मसाले को इसके अंदर में फिलिंग करना है, और उसके बाद इसे तेल में फ्राई करना है। तो इस तरह से ये हाथ लगाना ही पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से मसाले को इसके अंदर में अच्छी तरह से लगा करके ये सारे मसाले अंदर तक जाना चाहिए। इस तरह से फ्राई करके भी मसाला डाला जाता है, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, कच्चा डालने से ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये बहुत ही सुंदर बनेगा गाइस, आप अवश्य बनाएं इस सब्जी को, खाएं और हमें भी बताएं कि आपको कैसा लगा। बहुत सुंदर बनेगा ये गाइस, आपके लिए स्पेशल रेसिपी मैं लेके आई हूँ, उम्मीद है आपको पसंद होगा। तो इस तरह से भर भर के रख लेना है। तो इसमें मसाला मैंने भर लिया है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इसके इस तरफ भी मसाला जितना जा सकता था थोड़ा डाल दिए हैं, और इसके अंदर मसाला डाल दिए हैं। तो अब मैं तेल में फ्राई करने जा रही हूँ। ये मेरा यूज किया हुआ तेल है, तो बचा हुआ तेल है उसी में मैं बना रही हूँ। एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, ये लो फ्लेम में नहीं बनाना है, इसको लो मीडियम में बनाना है। हाई में बनाना है या लो मीडियम में बनाना है। अभी फिलहाल मैं फुल कर रही हूँ इसको, और ढक के दे रही हूँ करके, ताकि ये अच्छी तरह से पके भी और नीचे से ये बेक भी हो, मतलब ब्राउन भी हो। नीचे से तला जाएगा और ऊपर से पकते रहेगा। 2 से 3 मिनट बाद इसे पलट देंगे, फिर उस तरफ से सेकेंगे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये पक चुका है, क्योंकि इसको दबाने से ये इस तरह से फ्लैट हो रहा है। ये इसका निशानी है कि ये पक चुका है। अभी इसको मैं पलट दूंगी, तो इस तरह से इसको पलट देना है एक एक करके दूसरी तरफ से पलट देंगे सारे बैगन को।
और जितना ब्राउन इस तरफ हुआ है उतना ही ब्राउन दूसरी तरफ भी जब हो जाएगा तब ये सब्जी उतरने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये हो चुका है पूरी तरह से। अब मैं इसको निकाल लूँगी और निकालने के बाद जो है सो इसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से मैं निकालने जा रही हूँ इसको, इस तरह से इसको निकाल रही हूँ मैं। आराम से निकालना है, सब छूटा है तो छूटे नहीं, ये इस तरह से। जो ऑयल बचा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, आप दूसरे सब्जी में, दाल के तड़का में इसको डाल सकते हैं। मैं जब यूज कर लेती हूँ उसको, फेंकती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी बन के रेडी है खाने के लिए। आप इसे अवश्य बनाइए, पूरी, पराठा, रोटी, चावल सबके साथ इसको खा सकते हैं। आप इसे बनाइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।